गुमला थाना क्षेत्र के बसपा प्रखंड के ग्रामीणों ने विकास योजनाओं की स्वीकृति और बकाया पैसे की मांग करने पर प्रखंड कार्यालय के कर्मियों द्वारा पैसे मांगने का आरोप लगाया है। पूरे मामले को लेकर मंगलवार को प्रखंड कार्यालय गुमला में काफी हो हंगामा हुआ। हम ब्लॉक कम से कम तो 3 महीने से चक्कर काट रहे हैं। बीपीआरओ इनका क्या नाम है, गुमला बीपीआरओ का क्या नाम है, सीताराम साहू, वो बराबर घुमा रहे हैं और पैसा का डिमांड बराबर कर रहे हैं कि 10,000 रुपया दो, हम अभी करेंट में काम कर देंगे। सर मेरे पास पैसा नहीं है और पैसा के एवज में अगर काम पेंडिंग रहेगा, विकास का काम में बाधित आएगा, तो क्या हम उसमें आपत्ति नहीं कर सकते हैं? हम बार बार इस चीज़ कर रहे हैं और अभी हम उसको 10,000 रुपया लेके आए थे, देख लीजिए वीडियो के बाद, देखिए मेरा बैग देखिए, अभी वहाँ पर गए तो थोड़ा सा हम बात बोले, हमको कॉलर पकड़ के और गला को ऐसे दबा के तौलिया से और हमको जान मारने का प्रयास किया है। और वहाँ पर राम मोहन साहू भी थे और यहाँ पर देखिए मेरा बैग खुला हुआ और यहाँ पर मेरा पैसा कहाँ हो गया, के ये पैसा आया था है? वो मांगा था पैसा, मांगा था हम 8,000 रुपये उसको दे, मांगा था बीपीआरओ पैसा मांगा है। क्या नाम है उसका? राम मोहन साहू है, सीताराम साहू, सीताराम साहू है। चलो ठीक, और पैसा नहीं दे रहे हैं तो बोल रहा है कि जाओ फाइल तुम्हारा रिजेक्ट, ऐसे बोलता है। मेरा नाम शिवा गुप्ता है। गुमला ब्लॉक में जो धांधली चल रहा है, मनमानी पैसा वसूला जा रहा है योजना के नाम पे, ये बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि गरीब जनता आता है यहाँ पे कुछ काम को लेके, यहाँ पे पैसा का डिमांड कर दिया जाता है। कितना कितना पैसा मांगा जाता है? किसी को कोई अगर कुआं के लिए आ रहा है तो 15,000-20,000 का डिमांड किया जा रहा है कि इतना पैसा दो तब जाके काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। कोई योजना के नाम पे तो उसमें भी परसेंटेज बांट दिया गया है, 7% 5% तब जाके योजना पास होगा। ये सब सीताराम साहब में ही ये चल रहा है, सभी लोग सम्मिलित। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।